नमस्कार, मैं एक पत्रकार हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। अपनी जरूरी कामों के बाद मैं अपने परिवार के साथ हूँ। कोरोना वायरस से लड़ने में सहयोग करें, सरकार के निर्देशों का पालन करें। नमस्कार, मैं एक पत्रकार हूँ, साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कोरोना वायरस जो महामारी फैल रही है, इससे बचने का एकमात्र उपाय घर पर है। आप सभी से अनुरोध है, अपील है कि आप घर पर रहें और इस महामारी को रोकें। नमस्कार, मैं एक पत्रकार हूँ, इस देश का जिम्मेवार नागरिक हूँ। मैं अपने घर का सब काम करने के बाद परिवार के साथ घर पे ही हूँ। आप भी घर पे रहिए, कोरोना बीमारी से लड़ने में देश और सरकार की मदद कीजिए। धन्यवाद। एक पत्रकार हूँ, मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद अपने घर में अपने परिवार के साथ हूँ। कोरोना वायरस से लड़ना है और इसे हराना है। सरकार के नियमों का हम और आप मिलकर अक्षर से पालन करें और कोरोना वायरस को भगाने में सहयोग करें। आइए, आप और हम मिलकर इस कोरोना वायरस को इस देश से भगाने का काम करें। हमें उम्मीद है आप भी अपने परिवार के साथ अपने घर में होंगे। धन्यवाद। प्यारे शिवांगी लवासियों, आज पूरे विश्व के साथ हमारा देश भी वैश्विक आपदा कोरोना वायरस की गंभीर बीमारी के प्रकोप से जूझ रहा है। ऐसे में हम सब का यह कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के निर्देशों का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। एक मीडिया कर्मी होने के नाते हमें भी फील्ड में जाकर वर्क करना पड़ रहा है। इसके बावजूद समय निकालकर हम अपने आप को अपने घर परिवार के साथ सुरक्षित रख रहे हैं। ऐसे में आप सबका भी यही दायित्व है कि अपने परिवार के साथ रहें, घर में रहें। धन्यवाद। प्यारे सिवान जिले वासियों, आज पूरे विश्व के साथ हमारा देश वैश्विक आपदा कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के निर्देशों का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। एक मीडिया कर्मी होने के नाते हमें फील्ड में जाकर वर्क करना पड़ रहा है। इसके बावजूद हम समय निकाल कर अपने आप को अपने परिवार के साथ सुरक्षित रख रहे हैं। ऐसे में आप सबका भी यही दायित्व बन रहा है कि आप सब भी अपने परिवार के साथ घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं कुमार से मेरा यह संदेश आप लोगों को जागरूक करने के लिए है। सरकार के निर्देश के बाद लॉकडाउन की स्थिति सभी बिहार के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। बावजूद इसके हमें अपना कर्तव्य निर्वहन करना पड़ रहा है। ड्यूटी करने के बाद मैं सरकार के निर्देश का पूरी तरीके से पालन कर रहा हूँ और अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करता हूँ। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर में ही रहें। यह घर में रहना कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर में रहना अति आवश्यक है। धन्यवाद। मैं एक पत्रकार हूं, मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूं। मैं अपने जरूरी काम के बाद अपने परिवार के साथ अपने घर पर हूँ। सरकार के नियम का पालन करें। आप सभी से अपील है कि कोरोना वायरस को भगाने के लिए, उससे लड़ने के लिए देश का सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अरविंद पाठक, सेक्रेटरी लायंस क्लब सिवान, ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बहुत इमरजेंसी न होने पर घर से बाहर न निकलें। आप हम जितना ज़्यादा घरों में रहेंगे, जितना कम बाजार में जाएंगे, जितना कम लोगों से मिलेंगे, उतने ही जल्दी कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी को रोक पाने में कामयाब होंगे। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के प्रयास को समर्थन देना हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है। ऐसे में आपसे निवेदन है कि आप भीड़ भाड़ में न जाएं और जितना ज़्यादा समय हो सके अपने आप को घर में रखें। थैंक यू।
मैं एक पत्रकार हूं, मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं। मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं लोगों को जागरूक करूं। मैं अपने सारे जरूरी काम निपटा के अपने परिवार के साथ हूं, क्योंकि मुझे अपने देशवासियों का, अपने परिवार का चिंता है। आप सभी से ये गुजारिश है कि आप सभी भी अपने घर में रहें और कोरोना वायरस को दूर भगाने में हमारे देश के साथ मजबूती से खड़े हों। जय हिंद। मैं एक पत्रकार हूं और जिम्मेवार नागरिक भी। रिपोर्टिंग करने के बाद मैं सीधे अपने घर आता हूं और मैं घर पे हूं। आप सबसे भी मेरी अपील है कि इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरत पर ही घर से निकले, अन्यथा घर में रहें। लॉकडाउन के बाद आप सब अगर आवश्यकता नहीं हो तो सिवान नहीं निकलें, कहीं भी भीड़ भाड़ का हिस्सा नहीं बने। घर आते वक्त सैनिटाइजर से खुद को हैंड वॉश कर लें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरे को सुरक्षित रखें। मैं एक पत्रकार हूं और आज पूरे दिन काम करने के बाद अपने परिवार के साथ हूं। कोरोना से इस लड़ाई में मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं और आपसे अनुरोध है कि आप भी स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और अपने घरों में रहें और जो सरकार के आदेश है उसका पालन करें। मैं राकेश तिवारी एक पत्रकार हूं। मैं अपना काम कर लिया हूं, अपने समय से अपने घर आ गया हूं। क्या आप अपना काम करके समय से घर आ रहे हैं? नमस्कार, मैं एक पत्रकार हूं और भारत के जिम्मेदार नागरिक हूं। मैं अपने सभी काम को खत्म करके अपने घर पे अपने परिवार के साथ हूं और मैं आपसे भी अपील करता हूं कि कोरोना एक बेहद ही गंभीर बीमारी है। सरकार इसके लिए जो भी कदम उठाई है, सरकार के फैसले में आप उनका साथ दें। सरकार ने पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया है, इसलिए आप भी अपने परिवार के साथ अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मैं अमित सिंह एक पत्रकार के साथ साथ भारत का एक नागरिक भी हूं, इसलिए मैं शपथ लेता हूं कि अपने महत्वपूर्ण काम के बाद अपने घर को रहूंगा, सड़क पर बेवजह नहीं निकलूंगा। और मैं आप सभी लोगों से भी अपील करता हूं कि आप सड़क पर तभी निकलें जब ज्यादा जरूरत का काम हो, अन्यथा आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं शाहिद सिवान सहित बिहार के सभी नागरिकों से मेरा अपील है कि इस कोरोना वायरस से बचें, और इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि हमें सामाजिक अलगाव कुछ दिनों तक रखना चाहिए। वैसे सरकार ने बिहार को लॉकडाउन किया है, इसका समर्थन देना चाहिए ताकि इस बीमारी से हम, हमारा शहर और हमारा राज्य बचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ विकास और मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस विश्व वैश्विक महामारी के बीच खतरों को मोल लेके काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ और साथ ही साथ पुलिस। मैं बिहार के और सिवान की पूरी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ने इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो भी सख्त कदम उठाए हैं उनका सम्मान करें, और साथ ही साथ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने परिवार के साथ स्पेंड करें और घर में रहें, क्योंकि इस बीमारी का एक ही बचाव है, वो है सामाजिक अलगाव। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं अपने जरूरी काम के बाद मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ हूँ। सरकार के नियमों का पालन करें, कोरोना वायरस से लड़ने में देश का सहयोग करें, ये आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। एक पत्रकार हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। अपने जरूरी काम निपटाने के बाद मैं अपने घर पर अपने परिवार के साथ हूँ। आप सभी से गुजारिश है कोरोना वायरस से लड़ने में सरकार का सहयोग करें, सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को फॉलो करें। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार जो भी निर्देश देती है कोरोना वायरस से लड़ने में, उसमें सरकार का सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं एक पत्रकार हूँ। पत्रकार के साथ साथ देश का अच्छा नागरिक भी हूँ। न्यूज करने के बाद मैं अपने घर अपने परिवार के साथ हूँ। हमारे देश में जो कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, महामारी के रूप ले रहा है, उससे बचने के लिए आप भी अपने घर में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और देश की सुरक्षा के लिए देश के साथ रहिए। मैं एक पत्रकार हूं और मेरा काम लोगों को जागरूक करना है, जागरूकता फैलाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाना है। मैं घर पर हूं, सुरक्षित हूं। मेरा कहना है कि आप भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें
और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मैं पत्रकार होने के नाते समाज का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और अपने घर में हूं, स्वस्थ हूं और सुरक्षित हूं। आप भी अपने जरूरी कामों के अलावे घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के नियमों का पालन करें, क्योंकि हम समाज की एक इकाई हैं। हम स्वस्थ रहेंगे तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, मैं कोरोना को दूर भगाऊंगा, मैं सरकार के नियमों का पालन करूंगा, मैं घर में हूं, मैं सुरक्षित हूं, आप भी सुरक्षित होइए। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, हमें मिलजुल को कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हमें यहां से भगाना है। हम सरकार के नियम के पालन कर रहा हूं, व्यस्तम कार्य के बाद भी मैं अपने घर परिवार के साथ हूं, मैं स्वस्थ हूं। आप भी घर परिवार के साथ रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना को मिलजुल को यहां से भगाइए। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, मैं स्वस्थ हूं, सुरक्षित हूं, मैं सरकार के सभी नियमों का पालन करूंगा, मैं कोरोना को दूर भगाऊंगा, मैं स्वस्थ हूं, सुरक्षित हूं, घर में हूं। आप सभी सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए और नियमों का पालन करिए। मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, मैं घर पे हूं, स्वस्थ हूं, सरकार के सभी नियमों का पालन करूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप भी घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं और कोरोना को दूर भगाऊंगा, स्वस्थ और सुरक्षित हूं, सरकार के सभी नियमों का पालन करूंगा और आप भी अपने घर में रहें, सरकार के सभी नियमों का पालन करें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और मैं कोरोना से लड़ूंगा और इसको दूर भगाऊंगा और मैं अपने घर में हूं, स्वस्थ हूं, सुरक्षित हूं। आप लोग भी कोरोना से सतर्क रहें और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हम सभी कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ें और मैं सरकार की सभी निर्देशों का पालन करूंगा।